मैं भूमिका परमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, वर्किंग इन गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम यहाँ इस वीडियो में इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट राइट साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि माइक्रो प्रोसेसर EL207 सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट लगता है उसके अंदर ये टॉपिक कवर होते हैं यूनिट 6 के अंदर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट के बारे में पढ़ा था, अब हम IO रीड एंड IO राइट के बारे में पढ़ेंगे। हमने हर इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कुल मशीन साइकिल जो जो माइक्रो प्रोसेसर 8085 में अवेलेबल है वो हमने यहाँ पे राइट डाउन करी हुई है। तो सबसे पहले हम ऑपकोड फेच के बारे में पढ़ चुके हैं, इससे और मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे IO रीड एंड IO राइट। IO रीड से मतलब है इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट साइकिल। इनपुट आउटपुट रीड एंड इनपुट आउटपुट साइकिल पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। IO रीड से मतलब और IO राइट से मतलब क्या है। IO मीन्स इनपुट आउटपुट डिवाइस। मेमोरी रीड और मेमोरी राइट में हमने जो डेटा रीड या राइट किया था वो मेमोरी लोकेशन पे किया था, जो हमें मेमोरी लोकेशन गिवन था, एड्रेस हमें दे रखा था प्रोग्राम में अंदर। IO रीड में हमें इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा लेना है और इनपुट आउटपुट डिवाइस में डेटा स्टोर करवाना है। हमारे पास 8 बिट का डेटा है, हम उसको पोर्ट कहते हैं, इनपुट पोर्ट और आउटपुट पोर्ट। हमारे पास इनपुट पोर्ट की वैल्यू 8 बिट की है, आउटपुट पोर्ट की वैल्यू भी 8 बिट की है। इनपुट पोर्ट से वैल्यू लेंगे हम, मतलब इनपुट पोर्ट पे जो डिवाइस अवेलेबल है वहाँ से वो वैल्यू को हम रीड करेंगे और वो डिवाइस की वो वैल्यू एक्यूमुलेटर में स्टोर होती है। और राइट ऑपरेशन के दौरान एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है वो जो भी हमारे पास आउटपुट पोर्ट अवेलेबल है, जो हमें आउटपुट पोर्ट का एड्रेस दिया हुआ है, उस आउटपुट पोर्ट पे जाके जो आउटपुट डिवाइस है वहाँ पे उस वैल्यू को उस डिवाइस पे स्टोर करवाना है। यहाँ पे मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड ऑपरेशन है। हमें इनपुट डिवाइस से वैल्यू को लेना है जो कि एक्यूमुलेटर में जाएगी, और आउटपुट डिवाइस में वैल्यू को स्टोर करवाना है जो कि एक्यूमुलेटर में होगा। अब हम देख लेते हैं वर्किंग इसका। रीड साइकिल और राइट साइकिल का वर्किंग मेमोरी रीड और मेमोरी राइट जैसा ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। यहाँ पे हमारे पास पोर्ट एड्रेस होता है, वहाँ पे हमारे पास मेमोरी एड्रेस था, ठीक है। इन 8085 IO रीड साइकिल मतलब इनपुट आउटपुट रीड साइकिल इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर टू रीड डेटा बाइट फ्रॉम इनपुट पोर्ट और फ्रॉम पेरिफेरियल, मतलब इनपुट पोर्ट से हमें डेटा को रीड कराना है। इन 8085 द इनपुट पोर्ट की वैल्यू है 8 बिट का है इनपुट पोर्ट, और दिस 8 बिट पोर्ट प्लेस ऑन द बोथ एड्रेस लाइन। हाँ, एक और बात है कि हमारे पास 8 बिट का ही इनपुट पोर्ट का एड्रेस है, लेकिन हमारे पास और टोटल एड्रेस हमारे पास 16 बिट का होता है, तो हम क्या करते हैं 8 बिट के पोर्ट एड्रेस की वैल्यू दोनों एड्रेस लाइन पे प्लेस करवा देते हैं। A15 टू A8 जो हायर ऑर्डर एड्रेस है वहाँ पे भी सेम वही वैल्यू प्लेस होगी, और AD7 टू AD0 वहाँ पे भी सेम 8 बिट पोर्ट की वैल्यू सेम होगी। हम जो 8 बिट वैल्यू रीड करेंगे वो हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस से हम उस वैल्यू को रीड कराएंगे। एक बात तो ये, दूसरी बात कि इसमें भी हमें 3 स्टेट की जरूरत है एग्जीक्यूट कराने के लिए, जैसे मेमोरी रीड में था वैसे ही इनपुट आउटपुट रीड में भी 3 स्टेट की ही जरूरत है। वर्किंग क्या है, इट इज यूज टू इनपुट द कंटेंट और डेटा फ्रॉम इनपुट पोर्ट। इनपुट पोर्ट से डेटा ले रहा है टू द एक्यूमुलेटर, और वो कहाँ जा रहा है, एक्यूमुलेटर में जा रहा है। यहाँ पे फिक्स है वैल्यू, वैल्यू हम इनपुट पोर्ट से लेंगे और वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगी, और राइट में एक्यूमुलेटर से वैल्यू को हम आउटपुट डिवाइस में स्टोर करवाएंगे, और किसी भी रजिस्टर का इसमें उपयोग नहीं होता है, एक्यूमुलेटर पे ही वर्क परफॉर्म होता है। इनके साइकिल्स को स्टडी कर लेते हैं। T1 साइकिल में क्या होगा, जैसे हमने बात करी थी यहाँ पे कि दोनों एड्रेस पे हम 8 बिट का एड्रेस, दोनों एड्रेस लाइन पे हम सेम 8 बिट एड्रेस को प्लेस करवा देते हैं, तो हम यहाँ पे वही कर रहे हैं। IO का जो भी पोर्ट एड्रेस है उसको डुप्लीकेट करके हम एड्रेस लाइन पे प्लेस करवा रहे हैं, और वही एड्रेस हम AD7 टू AD0 पे भी प्लेस करवा देंगे। और T1 पे क्या है, जैसे मेमोरी में भी यही था, ALE हाई हो जाता है, ALE पिन हाई होगा तो हमें एड्रेस मिलेगा। यहाँ पे जो एड्रेस है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस नहीं होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस का एड्रेस 8 बिट का ही होता है, इसलिए हम AD7 टू AD0 के साथ ही वर्क कराएंगे। दूसरी बात, हम यहाँ पे वर्क करा रहे हैं
इनपुट आउटपुट डिवाइस पे वर्क हो रहा है, मतलब आईओ पे काम करा रहे हैं, तो उसके लिए इस पिन की वैल्यू हो जाएगी अब हाई, जो कि पहले लो थी जब हम मेमोरी से रिलेटेड ऑपरेशन करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम इनपुट आउटपुट से रिलेटेड ऑपरेशन करवाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है हाई, मतलब आईओ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। स्टेटस सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो स्टेटस S11 और S0 0 ही रहेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं हम इसका टाइमिंग डायग्राम। सेम वही डायग्राम है, सिर्फ यहाँ पे हाई ऑर्डर एड्रेस की जगह आईओ पोर्ट का एड्रेस आ जाएगा, लो ऑर्डर एड्रेस की जगह भी आईओ पोर्ट का एड्रेस आ जाएगा। एली पिन हाई है, सेम जैसे उसमें भी हाई थी। स्टेटस यहाँ पे सिर्फ आईओ ऑब्लिक एन बार की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि हम इनपुट आउटपुट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, T2 पे क्या होगा, T2 पे क्या हो रहा है, एली पिन गोज लो, लो हो जाएगी, आईओ एड्रेस है वो डिसअपियर हो जाएगा और वहां पे आ जाएगा हमारा डेटा जो कि हमने इनपुट आउटपुट डिवाइस से मिला है, क्योंकि हमें रीड करा रहे हैं, मतलब डेटा हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से ले रहे हैं, जो भी डिवाइस का एड्रेस हमारे पास अवेलेबल है वहां से हमने डेटा को रीड कर लिया। और जब हम डेटा को रीड करेंगे तो रीड सिग्नल हमेशा लो हो जाएगा, ये जैसे पता ही है हमें। ये रहा T2 साइकिल पे आ रहे हैं हम, यहाँ पे देखो पोर्ट एड्रेस नहीं है, यहाँ पे डेटा आ गया, यहाँ पे हमारा डेटा अवेलेबल है। और जब हम डेटा को रीड करते हैं तो यहाँ देखते हैं रीड सिग्नल लो हो गया है। ठीक है, और T3 साइकिल पे क्या होगा, जब तक रीड सिग्नल लो है तब तक डेटा अवेलेबल है, जब तक रीड सिग्नल लो है तब तक डेटा डेटा बस में अवेलेबल है। जैसे ही रीड सिग्नल हाई हो जाएगा तो एक तो क्या होगा, डेटा बस में से जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओनली एक्यूमुलेटर वर्क करता है, ध्यान रखना। तो रीड सिग्नल, जैसे ही रीड सिग्नल गोज हाई, जैसे ही रीड सिग्नल गोज हाई हो जाएगा और माइक्रोप्रोसेसर डेटा को प्लेस कर देगा डेटा बस से किसमें, एक्यूमुलेटर में प्लेस कर देगा। ये रहा उसका डायग्राम, दोनों पे देखो सेम पोर्ट एड्रेस है। हम एली पिन को T1 में हाई करेंगे तब हमने यहाँ से पोर्ट एड्रेस को पढ़ लिया और इस पोर्ट एड्रेस पे जो डेटा था वो डेटा बस में आ जाएगा। और जब वो डेटा डेटा बस में आएगा तब देखिए रीड सिग्नल यहाँ पे हमारा लो हो रहा है, और जब ये रीड सिग्नल हाई होगा तब डेटा डेटा बस में से लेकर हम आगे कहाँ डालेंगे, एक्यूमुलेटर में डालेंगे, रजिस्टर में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में वो डेटा हम यहाँ पे स्टोर करवा देंगे। ये था इनपुट रीड, हम इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड कर रहे हैं और एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, एक और बात, फिक्स इंस्ट्रक्शन है इनके लिए, इन और यहाँ पे 8 बिट का पोर्ट एड्रेस, यहाँ पे वो पोर्ट एड्रेस है C0 जो हमने एग्जाम्पल लिया है। इंस्ट्रक्शन की लेंथ 2 बाइट की है, एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू मिली हुई है, डायरेक्ट हमें 8 बिट का डेटा अवेलेबल है जो कि पोर्ट एड्रेस है हमारा। लेकिन इसकी मशीन साइकिल इसकी 3 है, पहले फैच के लिए लगेगी, दूसरा इस पोर्ट एड्रेस को रीड करने के लिए लगेगी, और तीसरी लगेगी इस पोर्ट एड्रेस से वैल्यू को रीड करके एक्यूमुलेटर में डालने के लिए। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया, मेमोरी एड्रेस ले लिया है, ये इसके ऑपकोड की वैल्यू है, और अब हम इसका टाइमिंग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो देखो ये इसका टाइमिंग डायग्राम है, टोटल 10 टी स्टेट हो गया, पहला फैच, दूसरा रीड और तीसरा इनपुट रीड, मेमोरी रीड और फिर इनपुट रीड। फैच साइकिल में वही, यहाँ पे देखो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारी यहाँ पे 4125, और ऑपकोड की वैल्यू है DB, यहाँ चलते हैं 4125 और ऑपकोड की वैल्यू है DB। और जब हम यहाँ पे वैल्यू पढ़ेंगे तब एली पिन यहाँ पे हाई होगा, बाद में देखो एली पिन लो हो जा रहा है, और जब हम DB ऑपकोड को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे रीड सिग्नल लो हो रहा है, और रीड सिग्नल लो है तो राइट सिग्नल को हमने हाई करा क्योंकि राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा रहे, और इनपुट आउटपुट और स्टेटस सिग्नल की वैल्यू वही है जो हमें पहले से पता है। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं मेमोरी रीड, मेमोरी रीड में वही हमारा एड्रेस 4126, यहाँ पे हमारा एड्रेस देखो हाई ऑर्डर 41, लो ऑर्डर 26 और वैल्यू है C0, यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारी ऑपकोड की C0,
यहाँ पे भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, C0। अभी हमने केवल पोर्ट एड्रेस को रीड किया है, हम यहाँ से वैल्यू को रीड नहीं कर रहे, केवल पोर्ट एड्रेस रीड किया है 8 बिट का। हमने यहाँ पे पोर्ट एड्रेस पढ़ लिया, ठीक है, वही सिग्नल है, एल इधर हाई है, इधर रीड सिग्नल लो है, सेम कर काम कर रहा है, ठीक है। और ये तीनों देखो, दोनों ऑपरेशन रीड है, तो यहाँ पे राइट वाला ऑपरेशन हमें, राइट वाला सिग्नल हमेशा हाई ही रहेगा। अब हम करेंगे आईओ रीड, अभी हमने उस वैल्यू को रीड किया है, आईओ रीड करेंगे मतलब हमें पोर्ट एड्रेस मिल गया, जो पोर्ट एड्रेस है C0। अब ये पोर्ट एड्रेस की वैल्यू हाई ऑर्डर और लो ऑर्डर दोनों पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे भी C0 है, यहाँ पे भी C0 है। जब AL की पिन हाई है, इसका मतलब अभी हम यहाँ पे पोर्ट एड्रेस को पढ़ रहे हैं C0, इसका मतलब अब हम कहाँ चले जाएंगे, अब हम जाएंगे C0 वाले पोर्ट एड्रेस पर, और उस पोर्ट एड्रेस पे जो डिवाइस कनेक्टेड है वहाँ से हमें डेटा को पढ़ना है। और जब हम डेटा को पढ़ेंगे उस समय, एक तो दूसरी बात, हम वहाँ से हमारा ALE पिन हो जाएगा लो और रीड सिग्नल हो जाएगा, ALE पिन हो जाएगा हाँ लो और रीड सिग्नल भी हो जाएगा लो, क्योंकि अब हमें डेटा को लेना है, और वो डेटा जब हम रीड करेंगे इनपुट डिवाइस से, वो हमने यहाँ पे जो वैल्यू है 5E उसको हमने यहाँ पे डेटा बस में पुट करा दिया है, ठीक है। पोर्ट एड्रेस था हमारा C0, तो C0 पोर्ट एड्रेस से हमने डेटा को लिया और वो हमने डेटा बस में डाल दिया, वो है 5E। तो हमने वो वैल्यू रीड करा ली। अब इस रीड ड्यूरेशन में हमने वो वैल्यू को रीड कर लिया है डिवाइस से, रीड करने के बाद में हमारा काम होता है आईओ का, आईओ रीड का मतलब होता है कि डिवाइस से वैल्यू को रीड करना है और एक्यूमुलेटर में डालना है। तो जैसे ही ये रीड सिग्नल हाई हो जाएगा, तो डेटा बस से जो वैल्यू है 5E वो जाके कहाँ स्टोर हो जाएगी, हमारी एक्यूमुलेटर के अंदर में। तो ये जब ये जो इंस्ट्रक्शन हमने लिया है, ठीक है, आईओ C0, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद हमारा आंसर में क्या आएगा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हम इसमें एक लिंक और बढ़ा देते हैं और A लिख देते हैं, और A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 5E, ठीक है। ये देखो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट बाद ये वाली जो वैल्यू थी वो A की, ये हो जाएगी अब एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा इनपुट रीड, यहाँ पे हमने इनपुट पोर्ट की वैल्यू जो C0 थी वहां से वैल्यू को रीड करा है, और 5E जो वैल्यू वहां पे अवेलेबल थी उसको हमने एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा दिया है। अब हम पढ़ेंगे आईओ राइट, इसका मतलब एक्यूमुलेटर में जो वैल्यू है हमारे पास अवेलेबल है उसको जो आउटपुट पोर्ट पे अवेलेबल डिवाइस है उस पर स्टोर करवाना। रीड साइकिल, राइट साइकिल आईओ रीड की तरह ही काम करता है, सिर्फ यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एक्यूमुलेटर से वैल्यू लेंगे और उसको पोर्ट एड्रेस पे स्टोर करवा देंगे, ठीक है। राइट साइकिल इज एग्जीक्यूटेड बाय द प्रोसेसर टू स्टोर द डेटा बाइट फ्रॉम डेटा बस इनटू द आईओ डिवाइस। आउटपुट पोर्ट की वैल्यू 8 बिट पोर्ट एड्रेस होता है, और वही 8 बिट पोर्ट एड्रेस हम दोनों एड्रेस बस पे प्लेस करवा देंगे, A15 से A8 और AD7 टू AD0 एड्रेस लाइन पे सेम आउटपुट पोर्ट की वैल्यू जो हम पुट करा देंगे। जैसा कि हमने आईओ रीड में किया था वैसा ही हम आईओ राइट में भी करेंगे, सेम आईओ रीड की तरह। इसका भी 3 T-state की रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूट होने के लिए। वर्किंग क्या है, इट इज यूज टू स्टोर डेटा बाइट फ्रॉम एक्यूमुलेटर इन टू द आउटपुट पोर्ट। आउटपुट पोर्ट पे वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, कहाँ से लेंगे, एक्यूमुलेटर से लेंगे। 3 T-state है मतलब 3 स्टेप लगेंगे, डिस्कस कर लेते हैं। पहले T-state में क्या होगा, पोर्ट एड्रेस की वैल्यू एड्रेस बस, हायर एड्रेस बस 15 टू A8 और लोअर एड्रेस बस A7 से A8 पे हमने स्टोर करवा दिया। और जब हम इस वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट की 8 बिट की वैल्यू को जब हम डाल रहे हैं, ALE पिन हमेशा हाई रहता है। इसका डायग्राम भी सेम ऐसा ही है, डिफरेंस देखो कहाँ आ रहा है, सिर्फ रीड पे आ रहा है, वहाँ पे राइट था यहाँ पे रीड सिग्नल आ गया है, दोनों पे हमने पोर्ट एड्रेस डाल दिया है, सेम वैल्यू हो गई है, यहाँ पे ALE पिन हमारा हाई है T1 पे, ठीक है। T2 पे क्या होगा, ALE पिन गोस लो हो जाएगा, IO एड्रेस डिसअपेयर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, जो हमारी एक्यूमुलेटर की वैल्यू थी वो अब हम इस डेटा बस पे पुट करवा देंगे, क्योंकि इस डेटा बस की जो वैल्यू है वही हम आउटपुट डिवाइस में स्टोर करवानी है, वहीं पे हम इसको आउटपुट डिवाइस पे राइट करवाना है, ठीक है। और जब हम राइट ऑपरेशन करवाएंगे तब हमारी राइट सिग्नल है वो हमेशा लो होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ही T2 सिग्नल स्टार्ट होता है, हमारा डेटा आ गया यहाँ पे डेटा बस में, डेटा हमने एक्यूमुलेटर में से मिल गया,
और इस डेटा को हमें ये जो पोर्ट एड्रेस है इस पोर्ट एड्रेस पे राइट करवाना है। राइट करने के लिए जैसे ही हमको डेटा मिलेगा राइट सिग्नल लो हो जाएगा, ठीक है। और इस ड्यूरेशन में जो हमारा एड्रेस था, जो हमें यहाँ पे मिला था पोर्ट एड्रेस, वहाँ पे इस डेटाबेस में से वैल्यू को रीड करेंगे और उस पोर्ट एड्रेस पे स्टोर करवा देंगे। ये वही कर रहा है, डेटा रिमेन ऑन द डेटाबेस टिल रीड सिग्नल इज लो। रीड सिग्नल जब तक लो है तब तक यहाँ पे डेटा अवेलेबल है, और जैसे ही रीड सिग्नल हाई हो जाएगा, रीड सिग्नल हाई होते ही राइट साइकिल टर्मिनेट हो जाएगा और डेटाबेस पे जो डेटा अवेलेबल था उसको हमने पोर्ट पे राइट कर दिया था, ठीक है। सिग्नल सेम वही है, आईओ की वैल्यू आईओ ब्लिक एम्बर की वैल्यू 1 रहेगी, स्टेटस राइट के हिसाब से एस1 की वैल्यू 0 और एस0 की वैल्यू 1, ये स्टेटस सेम रहेगा राइट के लिए, चाहे वो इनपुट रीड हो राइट हो या मेमोरी राइट हो, स्टेटस राइट के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। S1 की वैल्यू 0 रहेगी और S0 की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो ये तीन स्टेप्स थे। IO राइट को भी हम अब एग्जांपल से समझ लेते हैं। IO के लिए हमारे पास आउटपुट राइट साइकिल राइट के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है आउट, मतलब अब हमें आउट मतलब प्रोसेसर से जो वैल्यू लेकर आउटपुट डिवाइस पे डालनी है, और वो वैल्यू किस में स्टोर होगी, एक्यूमुलेटर में पड़ी है, और उसको हमने आउटपुट पोर्ट, हमारे यहाँ पे आउटपुट पोर्ट की वैल्यू है F0, वहाँ पे स्टोर करवानी है। सेम 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, एड्रेसिंग मोड इमीडिएट है। हाँ, तीन साइकिल लग रहे हैं, पहला फैच ऑब्वियस है वो तो लगेगा ही लगेगा, कंपलसरी है फैच साइकिल लगना, उसके बाद रीड क्योंकि हमें पोर्ट एड्रेस को रीड भी करना है, उसके बाद मेमोरी राइट, अब इस पोर्ट एड्रेस पे वैल्यू को राइट करवाना है, ठीक है। ये इसका टाइमिंग डायग्राम है, पहले ऑपकोड फैच करेंगे, ऑपकोड फैच का काम हमें पता ही है, यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है 4205, ऑपकोड है D3, ऑपकोड है D3, ऑपकोड फैच हो गया। दूसरी वे मेमोरी को रीड करना है, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर है 4206, और अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे पोर्ट एड्रेस, उसकी वैल्यू है F0, हमने वो वैल्यू हमने रीड कर लिया, वो क्या वैल्यू था, F0। अब आईओ राइट में क्या होगा, हाई और लो एड्रेस पे हमें पता है कि पोर्ट एड्रेस डाल देते हैं, हमारा पोर्ट एड्रेस है यहाँ पे F0, हमने यहाँ पे भी F0 लिख दिया, यहाँ पे भी F0 लिख दिया, ठीक है। और जब यहाँ से हम जब F0 पढ़ रहे हैं तब ALE पिन हाई है, और जैसे ALE पिन लो हो जाएगी तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे डेटा, जो कि हमारे पास अवेलेबल है 12, ये हमने कहाँ से ली वैल्यू, एक्यूमुलेटर में से वो वैल्यू हम डेटा बस में पुट करवा देंगे, और जैसे ही वैल्यू डेटा बस में आ जाती है और राइट सिग्नल, देखो यहाँ पे राइट सिग्नल क्या हो रहा है, लो हो रहा है, राइट सिग्नल लो हो रहा है, इट मीन्स 12 वैल्यू जो है वो F0 पोर्ट पे हम राइट करवा देंगे। आउट का मतलब है आईओ राइट और इंस्ट्रक्शन आउट का मतलब है कि हमारे को एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आउटपुट डिवाइस पे स्टोर करवाना, और आउटपुट डिवाइस का पोर्ट एड्रेस हमने यहाँ पे लिया है वो है F0 और वैल्यू थी 12, स्टेटस सिग्नल सेम वही है, 2 बार रीड ऑपरेशन हो रहा है तो रीड सिग्नल लो हो रहा है, पहली बार रीड सिग्नल लो का तो हम ऑपकोड पढ़ रहे हैं, दूसरी बार रीड सिग्नल जब लो हो रहा है तब हम यहाँ पे पोर्ट एड्रेस पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे अब हो रहा है हमारा राइट सिग्नल लो, ताकि हम ये डेटा को पढ़ के पोर्ट पे राइट करवाएंगे, आउटपुट पोर्ट पे वैल्यू को हम राइट करवा रहे हैं, ठीक है। आईओ ऑब्लिक एम्बर की वैल्यू 1 रहेगी पूरे इंस्ट्रक्शन के ड्यूरेशन में, क्योंकि यहाँ पे हम इनपुट आउटपुट की वैल्यू सॉरी मेमोरी परफॉर्म करवा रहे हैं, आईओ वाली पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे क्या है स्टेटस, फैच के लिए वैल्यू 1 आती है, ठीक है, हमें पता ही है, रीड के लिए 0 और राइट के लिए 1 0। तो ये था हमारा आउट और इन इंस्ट्रक्शन, जो कि इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट के लिए काम में आता है। इन आईओ रीड और आईओ राइट के लिए हमारे पास 2 ही इंस्ट्रक्शन है, इन और आउट। इन इंस्ट्रक्शन इन डिवाइस से, इन आईओ डिवाइस से वैल्यू को एक्यूमुलेटर में स्टोर कराता है, और आउट इंस्ट्रक्शन एक्यूमुलेटर की वैल्यू को आईओ डिवाइस पे स्टोर कराता है। इनपुट आउटपुट के लिए हमारे पास 2 ही इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मेमोरी रीड और मेमोरी राइट के लिए हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अलग अलग तरह के वर्क परफॉर्म
करवाने के लिए। तो यहाँ पे अभी हमने पढ़ा आईओ रीड और आईओ राइट के बारे में, विद एग्जांपल हमने एक्सप्लेन किया है, जो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।